नमस्कार, Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 166। आज हमारे साथ हैं श्रीमान गुरुप्रवर ओम प्रकाश शर्मा, जो कि हिंदी के व्याख्याता हैं। गुरु जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि यूजुअली पूछता हूँ मैं, शुरुआत करते हैं परिवार से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से। बताएं, परिवार कौन कौन है? मेरे माता पिता हैं जी, हम तीन भाई और एक बहन है जी। तीन चारों की हमारी शादी हो चुकी है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्ची है जी। बच्ची की मैंने शादी कर दी जी। बच्चा, बड़ा बच्चा है वो CA फाइनल में है, और छोटा बच्चा है उसने BSc की है जी। अभी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। नाम बताना चाहेंगे बच्चों का? हाँ, बड़ा बच्चा है उसका नाम रविकांत है जी, छोटा बच्चा है उसका नाम शशिकांत है। शशिकांत। और बेटी? बेटी का नाम पूजा। पूजा। माता पिता का नाम? माता का नाम मेरी का रामदेवी है, रामदेवी। पिता का नाम श्री बिहारी लाल। मैं वैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, गांव कंटेवा है। गांव मेरा कंटेवा है। पीछे पीढ़ी याद है? हाँ, बताएं जितनी अगर हैं। दादा दादी जी? मेरे दादा और दादाजी दोनों का मेरे पर विशेष स्नेह था, जी। और हर समय दादाजी अपने साथ ही मुझे खाना खिलाते थे। जी। दादी जी तो मेरी छोटी उम्र में ही चली गई थी, लेकिन दादाजी जब मैं लेक्चरर बन गया था तब भी दादाजी का स्नेह मेरा मेरे पर उसी प्रकार से था। नाम बताए उनका दादाजी? भागीरथमल जी नाम था उनका। अच्छा। वे मूलतः हलवाई का काम करते थे। दादी जी का नाम याद है? हाँ, दादी जी का नाम भी याद है, तीजू देवी। तीजू देवी, ठीक। आपकी ससुराल कौन सी जगह है? मेरा ससुराल खोरी रामपुरा है, सीकर के पास में, जो लोहाग्रल की ओर पड़ता है। अच्छा अच्छा और धर्मपत्नी जी क्या नाम है? मेरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती संतोष देवी है। तो गृहिणी है? हाँ, गृहिणी है। ठीक है। गुरु जी, अपनी शिक्षा के बारे में, शैक्षणिक पृष्ठभूमि? मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो 1 से 8 तक, यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है जी, और उसके बाद में 9 से 12 तक मैं लक्ष्मणगढ़ की प्रतिष्ठित संस्था श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया है। उसके बाद में मेरी जो कॉलेज की पृष्ठभूमि है जी, वो श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय से मैंने कॉलेज किया है, जी, वहीं से मैंने MA भी उसी कॉलेज से किया है। जी 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 तो पढ़ते समय आपके प्रिय गुरुजन? मेरे प्रिय गुरुजी, वैसे तो सभी का मैं सम्मान करता हूँ जी जी, जिनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा जी, लेकिन जो मुझे विशेष मेरा जो मार्गदर्शन मुझे मिला है वो मेरे MA के और मेरे कॉलेज के गुरुजी रहे हैं, डॉक्टर गोवर्धन सिंह जी शेखावत। गोवर्धन सिंह शेखावत, अच्छा अच्छा उनका विशेष स्नेह और उनका मार्गदर्शन है वो मुझे विशेष मिला जी जी। और उनकी एक बात आज भी मुझे स्मरण है। बताएं। जब मैं MA करने के बाद में जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके घर जाता था जी जी, उनका बड़ा स्नेह था मेरे पर जी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि ओम प्रकाश, नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती है, छोटी जब पकड़ लेते हैं या मिल जाती है तो छोड़ी जा सकती है जी जी, बड़ी के इंतजार में हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। वो बात लगी मेरे और उसी उन्हीं की प्रेरणा से उसके बाद में मैंने सबसे पहले आदर्श विद्या मंदिर ज्वाइन किया था जी जी। अच्छा अच्छा आदर्श विद्या मंदिर। और आदर्श विद्या मंदिर ज्वाइन करने के 1 साल बाद मैंने BEd कर लिया और पुनः आदर्श विद्या मंदिर में मेरा अच्छा कार्य और व्यवहार रहा तो उन्होंने मुझे बीच में छुट्टी भी दे दी जी जी। और उसके बाद में जैसे ही मेरी BEd का कोर्स पूर्ण हुआ जी जी। उसके बाद में पुनः उन्होंने मुझे आमंत्रित कर लिया कि आप आ जाओ, तो पुनः मैं उस आदर्श विद्या मंदिर में आ गया और थोड़े दिनों बाद में मेरा व्याख्याता पद पे SR स्कूल में चयन हो गया जी जी। हाँ, मैं भी आपसे ही पढ़ाऊं। तो गुरु जी, पढ़ते समय आपके दोस्त सहपाठी प्रिय? मेरे पढ़ते समय के सहपाठी, एक तो मेरा पड़ोसी था जो मेरे गांव से ही बिलोंग करता है जी, और एक और था साथी जो भोजासर से बिलोंग करता है। ये दोनों मेरे विशेष सहपाठी थे जी। और उनमें एक तो आज मेरे साथ में अंग्रेजी का व्याख्याता है। नाम बताएं? उनका नाम है श्री बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी आपके आपके सहपाठी रहे? हाँ, मेरे सहपाठी रहे कॉलेज के। बड़े मृदु स्वभाव रहे ना? हाँ, मृदु स्वभाव और हंसमुख व्यक्तित्व के, चंचल स्वभाव के रहे उस समय। दूसरे मेरे साथी जो मेरे पड़ोसी हैं जो वर्तमान में वकील हैं, अरफुल सिंह कुमावत। अच्छा अच्छा
जो यहाँ वकालत करते हैं जी लक्ष्मण जी ब्लड में। तो गुरु जी, पढ़ते समय हिंदी प्रिय विषय रहा आपका? पढ़ते समय तो मेरा हिंदी इतना प्रिय विषय नहीं था, बताएं। सबसे ज्यादा मेरा प्रिय विषय राजनीति विज्ञान तो था, राजनीति विज्ञान रहा है। और मैं राजनीति विज्ञान में टॉपर भी रहा था सीनियर तक। जी जी लेकिन बाद में मैं कॉलेज में जाने के बाद में मेरा रुझान था वो जी हिंदी की ओर हो गया। तो हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, तो ज्यादा से किससे ज्यादा प्रभावित रहे आप? हिंदी साहित्य के अध्ययन में मैं सबसे ज्यादा जो मैंने अभी गुरुजी बताए थे उनकी, वो जो पढ़ाते थे उनका पढ़ाने का जो शैली थी उनसे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ। लेखक, और लेखक जैसे प्राचीन लेखक जो है। लेखकों में तो मैं प्रेमचंद है, तुलसीदास हैं, इन से बड़ा प्रभावित कवियों हूँ। में कवियों में मेरा प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद रहा है। जी। तो गुरु जी, आप और पूछ लेते हैं, फिल्मों में रुचि रही है आपकी? नहीं, रुचि तो नहीं रही, लेकिन मैं छात्र जीवन में फिल्में देख लेता था। देख लेते। तो कोई फिल्म पसंद आई हाँ, ऐसा, जो हृदय पटल पर अंकित है अभी हाँ, हृदय पटल पर भी अंकित तक? है। वैसे तो कई फिल्में हैं इस प्रकार की, बताएं। मुझे वैसे तो नाम में देखा जाए तो ऐसे कई फिल्में हैं। तो कोई नायक नायिका पसंद आई आपको? नायक में मेरा प्रिय जो नायक था, जिसका मैं आपको बताऊं, ध्यान में नहीं आ रहा, मेरी याद नहीं आ रहा उसका पुरानों में नाम। है, नए में? नहीं, पुराने में है। अच्छा, कोई राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, कोई नहीं, राजकपूर, राजकुमार? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, वो ध्यान में नहीं आ रहा जी है। जी वो मुझे नायिका उनके जो अभिनय है या उनकी दिलीप जो कुमार फिल्में क्या मैं? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। हाँ, मनोज कुमार। नहीं, मनोज कुमार नहीं है। अच्छा, तो नायिका कौन है? क्या नाम था उनका? नहीं, नहीं, हम पुराना में होता, पुराने में चलिए याद आ जिनके जाएगा बोलने था। की अलग प्रकार की शैली है। राजकपूर, राजकुमार, राजकुमार है। राजकुमार हाँ, हैं। तिरंगा वाला हाँ, राजकुमार, तिरंगा। वो मेरी फिल्म भी बहुत अच्छी लगी मुझे, राजकुमार। हाँ, वो उनके बोलने का मुझे स्टाइल बहुत अलग है। प्रिय जी जी नायक अलग ही में शैली है लगते ना। हैं। हाँ, तो गुरु जी ये बताएं, कुछ दो चार बातें और पसंद नापसंद पूछ लेते हैं आपको। कलर कौन सा पसंद है, रंग? कलर मुझे वैसे सफेद पसंद है। लोग पूछते हैं, फूल के बारे में मत पूछा कर, लेकिन मैं पूछता हूँ फिर भी, फूल कौन सा पसंद है आपको? फूल तो सभी पसंद है जो प्रकृति में खिलते हैं। किसी चीज से एलर्जी है आपको? एलर्जी तो वैसे दुर्व्यसन है, इनसे दूर ही है। इनसे दूर ही रहता हूं, इनसे एलर्जी भी है। वाहन कौन सा पसंद है आपको, प्रिय है, चलाना आता है? वाहन तो मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूं। सुबह सुबह कोई भ्रमण योग करते हैं कोई? हाँ, सुबह मैं घूमने जाता हूँ, उठते कितने बजे आप? मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। फिर तो काफी जल्दी उठते हैं। तो ये बताएं गुरु जी कि खेल में आपकी कितनी रुचि रही है? खेल में तो मैं सामान्य ही रहा हूँ। सामान्य रहे, कोई हाँ, प्रिय रहा खेल आपको? खेल में कोई इतना तो प्रिय नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे ग्रामीण अंचल में रहा तो ग्रामीण अंचल के कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, ये जी। सामान्य खेल में खेल लेता था। गुरु जी, भ्रमण कहाँ कहाँ किया राजस्थान को छोड़कर आपने? मैं वैसे राजस्थान ही घुमा हूँ, राजस्थान के बाहर नहीं गया हूँ। तो सीकर से अलावा कौन सा जिला आपको अच्छा लगा? मुझे उदयपुर बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छा, देखा है उदयपुर। जेलों की नगरी हाँ, है। जेलों की नगरी, वहां का जो चेतक स्मारक है, हाँ, हल्दीघाटी क्षेत्र भी देखा है मैंने। गुरु जी ये बताएं, अब साहित्य की तरफ पूछ लेते हैं क्योंकि आप साहित्य जुड़े हुए हैं। साहित्य का अवमूलन है, अवमूल्यन जो हो रहा है दिनों दिन, क्योंकि साहित्य जो है प्रभावित होकर लिखा जाता है ना किसी से, जो अंतस्फूर्त नहीं होता है। और वो आप आज के जमाने, वो पहले भी होता था, पहले भी राजा महाराजा अपने लिखवाते थे अपने हिसाब से, लेकिन आजकल क्या है कि बाध्यता नहीं है, फिर भी लोग जो है चापलूसी चाटुकारिता क्या जो दौर है उसमें कुछ ना कुछ लिख डालते हैं। तो ये हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? साहित्य का संबंध है वो अंतस्फूर्त से ही होता है। वैसे जी। यदि साहित्यकार या कवि किसी की शरण में जाकर के या किसी की प्रशंसा में साहित्य लिखता है तो मैं उसको अच्छा साहित्य नहीं मानता हूं। जी। प्राचीन काल की बात अलग थी, जैसे हमारे चारण या इस बहाट जो होते थे वो राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, तो उस समय का जो समय था वो अलग प्रकार अलग का था। था। लेकिन साहित्यकार को स्वतः स्फूर्त अंतर्भावना
या समाज में जो देखता है उसी के हिसाब वो से प्रतिबिंबित साहित्य होना लिखता है, चाहिए। वो प्रतिबिंबित होना ही चाहिए, और प्रतिबिंबित होने के साथ साथ में साहित्यकार उसका मार्गदर्शन भी दे साथ में। तभी कहते हैं केवल साहित्य। समस्याएं ही नहीं गिनाए, समाज की कमियां ही नहीं बताए, उन कमियों के साथ में उनका समाधान भी तभी तो कहते हैं साहित्यकार को साहित्य बताना समाज चाहिए। दर्पण है ना। बिल्कुल सही है ये। तो गुरु जी ये बताएं कि ये जो विदेशों में देखा मैंने कि लाइब्रेरियां होती हैं बड़ी सुव्यवस्थित होती हैं, और बसों में देखो ट्रेनों में देखो लोग किताबें हाथ में रखते हैं पढ़ते रहते हैं, मोबाइल भी उनके पास फिर भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो किताबों को इतनी तिलांजलि दे दी है कि पूछो मत। लाइब्रेरियां ऐसी हैं जैसे कि हम किसी पुराने जैसे कि धार्मिक स्थान में घुस गए हों, और लाइब्रेरियन जो होता है पुस्तकालय अध्यक्ष वो इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे वो अपने जेब से कोई घी निकाल के दे रहा हो ना, जैसे कोई मतलब चीज महंगी चीजें, तो वो तालाबंद रहती हैं किताबें, तो उनको हासिल करने में पहले दिक्कत आती है, और नई किताबें तो है ही नहीं, जो किसी दानदाताओं ने पहले दे दी वही किताबें हैं। तो लाइब्रेरियों की पुस्तकालय की दुर्दशा आपने यहाँ, चाहे तो कुछ स्कूलों में देख लीजिए चाहे आप सार्वजनिक रूप से देख लीजिए, तो हमारी उतनी रुचि नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक तो साहित्य के प्रति रुझान कम हो गया लोगों जी का। किताब, ये जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, टीवी का जितना प्रभाव बढ़ा है, मोबाइल का प्रभाव बढ़ा है, उतना ही पुस्तकों के प्रति रुझान कम हुआ कम है। हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुस्तक अच्छा मित्र है, होता है। पुस्तक पढ़ करके हम लेकर के बैठते हैं तो हमें और सारी चीजें भूल जाते हैं, बोल और जो जाते हैं। आनंद हमारा पुराना साहित्य है या वर्तमान जो साहित्य है उसको पढ़ने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद शायद ही किसी और चीज में हाँ मिलता जी हो, मेरा ऐसा मैं मानना है। मुझे एक बार लग गया था चट्टर्स, तो मैंने तो सारे अपने एसआर की लाइब्रेरी खा डाली थी रात रात वही पढ़ता अच्छा है, एसआर था। स्कूल की लाइब्रेरी अच्छी, रिच अच्छी बहुत ही लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छे अच्छी थी, साहित्य बहुत है ही वो उसमें। अच्छी वो अच्छी थी, बाकी हम नसीब वाले थे वो इतनी अच्छी हाँ लाइब्रेरी हमें मिली। तो गुरु जी ऐसा बताएं कि एक जो युवा होता है, युवा जो कवि बनना चाहता है जो साहित्यकार बनना चाहता है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साहित्यकार या कवि बना नहीं जाता है, ये तो ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है। जैसे वो एक कौन से लेखक थे, वो उन्हें कहते थे कि मैं कभी बाहर नहीं गया प्रकृति के दर्शन देखने के लिए, लेकिन कमरे में बैठा रहता था, उन्हें आवाज आती थी, इतना सुंदर चित्रण करते थे वो, सचमुच वो घूमे हुआ। नहीं, ऐसा तो कोई जिसके अंतः चक्षु खुले हो वो ही कर सकता है। जैसे सूरदास के बारे में ये कहते हैं कि वो जन्मजात अंधे थे, जी, लेकिन उन्होंने जो श्री कृष्ण की बाल लीला का जितना सुंदर चित्रण किया, विश्व का कोई कवि नहीं कर नहीं कर सका, सकता, सही बात है। वो एक अलग बात है। बाकी कवि को प्रकृति में जाकर के ही, या जिस वातावरण पर वो कविता लिखता है उस वातावरण से जुड़ेगा, तभी वो कविता तो अत्युत्तम गुरु जी होगी। साहित्यकार जो धर्म की सीमाओं को लांघ जाता है, जैसे कि रसखान अपने यहाँ, ठीक है, अब हाँ आज के समय में देखें तो वो बड़ा मुश्किल है काम, क्योंकि आजकल तो अगर कोई दूसरा धर्म वाला रामायण भी का पाठ करना चाहे तो उन्हें नहीं करने देते लोग, हम देखा है कि लोगों को मन महसूस कर रहना पड़ा है। नहीं, वो गलत है, कर क्यों नहीं सकता है। क्या हिंदू उर्दू पढ़ सकता है? मुसलमान, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जो आदर्श हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, पढ़ सकता है। अच्छा गुरु जी ये जो धर्म के जो ठेकेदार बने हैं अपने अपने संगठन बना रखे हैं, इनको सपोर्ट सारा तो किसी का है नहीं, लेकिन ये क्या है उपद्रव मचाते हैं और जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, आज हालत ही है जैसे कि हमारे पास जैसे गाय है और इस गाय को ननिहाल पहुंचाना है पिकअप में डालकर, तो मैं रोड से ले जाने मुझे डर लगेगा, सीधी सी बात है, पता नहीं क्यों? कौन मिल जाए मेरे को, बोलेंगे गौरव से कम। नहीं, तो ऐसी कोई ऐसे जो बात नहीं है है, ऐसा एक कुछ भय का सा माहौल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मेरा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा गुरु जी ये बताएं कि अच्छा विद्यार्थी जो है उसके लिए देखिए संतुलन बनाना आवश्यक है, खेल में पढ़ाई में, और अपना जो देखिए सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो अपने घरेलू कार्य में व्यस्त रहता है, कहीं किसी को अपने माता पिता के हाथ काम में हाथ बटाना पड़ता है, तो कैसा है जीवन होना चाहिए, किस तरीके से तालमेल बढ़ाना चाहिए? विद्यार्थी का जीवन सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, जी और सुव्यवस्थित के साथ साथ में उनकी जो दिनचर्या है वो भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। जी और विद्यार्थी में इस प्रकार के संस्कार हैं, वो पहले माता पिता के द्वारा परिवार में मिलने चाहिए, उसके बाद में स्कूल में भी उसको इसी प्रकार के वातावरण मिले तो उसका जीवन अच्छा बन सकता है। गुरु जी एस आर में कितने साल अध्यापन करवाया आपने? मैं एसआर में 14 वर्ष, 14 साल लंबा समय रहता है, और अभी वर्तमान में कहाँ पदस्थापित हैं आप? एस आर स्कूल के बाद में मैं 4 साल सूट आउट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहा, जी और उसके बाद में 2 साल से मैं भोजासर बड़ा में कार्यरत हूं। अच्छा बहुत सर बड़ा में। तो गुरु जी एडेड स्कूल में काम किया, अनुदानित स्कूल में, और अभी सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं, कितना आप फर्क महसूस करते हैं धरातल पर?
भारत में जो उस समय काम करते थे, अनुदानित संस्था में मैंने काम किया, उस समय भी कोई इस प्रकार की बातें नहीं थी जो कोई अलग प्रकार की थी, लेकिन जो छात्र आते थे या जिस पृष्ठभूमि से आते थे, वो एक छात्रों की पृष्ठभूमि एक अलग प्रकार की थी, जी, और वर्तमान में जो पृष्ठभूमि के बालक आ रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग है। बाकी मुझे एक समान ही मालूम होती है, कुछ कोई ज्यादा अंतर विशेष नहीं है। अंतर नहीं है। तो ठीक गुरु जी, ये बताएं कि अंतिम सवाल है कि जो अध्यापक हैं, जो नव नियुक्त अध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्जन कर रहे हैं, उनके लिए संक्षिप्त सा संदेश। मेरा संदेश यही है कि अध्यापक है जी वो जो भी अपना विषय पढ़ाता है जी उसकी पूरी तैयारी के साथ में जाए, जी तो विद्यार्थी के अनुशासन की समस्या उसके सामने नहीं आएगी। आज तक मेरे सामने अनुशासन की समस्या नहीं आई नहीं है, आई। मेरे सामने जाते ही मेरे विद्यार्थी स्वयं अनुशासित हो जाते हैं, जी जी और ऐसा मैं महसूस करता हूं। मेरा का यही है कि अध्यापक है वो अपने विषय की तैयारी करके ही कक्षा वो में जाना परिमार्जित चाहिए। होता है विषय पर पकड़ हो। हाँ, हाँ अब भी मेरा ये मानना है और मैं करता भी हूं, जो भी मुझे पढ़ाना है मैं पहले उसको देखता हूं कि मुझे जी क्या पढ़ाना पढ़ाना है। है। और विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को भी है कि शिक्षक जो ऐसा मार्गदर्शन देता है उसको थोड़ा देख लेना चाहिए, जिससे उनके मन में प्रश्न है जी वो जग सकें कि इस पाठ में क्या चीज है, क्या पूछना है, ऐसा विद्यार्थी को भी करना चाहिए। जी, तो ये अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी अगर बता दें, अंतिम मतलब सवाल नहीं है, आपकी क्या क्या गड़ा बोलने की जो है वो मुझे पता है, अभी तक याद है, वो स्पेशल वर्तनी जो स्वर बोलते हैं आप, तो अगर बोल के बताए नहीं, वो क्या है कि तो अपन राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में रहते हैं, शेखावाटी में क्या है कि जो जो वर्ण का उच्चारण है वो अपन शुद्ध नहीं कर पाते हैं, और उसका हमारे क्षेत्रीयता का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो बच्चों को जब साहित्य के से संबंधित है तो बच्चों को उच्चारण के बारे में इसलिए बताता था कि भाई इसका शुद्ध उच्चारण ये है, भले ही आप कर नहीं पा रहे हो या करने करते व्यवहारिता नहीं हो, में व्यवहारिता में नहीं नहीं करते है। हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका आपने शुद्ध कहा उच्चारण पंडित जी, है। तो पंडित जी वो नहीं बोल सकते हम लोग, नहीं बोल सकते हाँ ना। अब लोगों से क्ष नहीं बोला जाता, छ बोलते हैं ना, काफी पढ़े। और हाँ हृदय हृदय बोलते हैं, कभी टीवी में भी देखा मैंने लोगों में, जैसे सहस्त्र सहस्त्र बोलते हैं ना। हाँ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आज भी हम सभी उनसे अशुद्ध का उच्चारण कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। ठीक गुरु जी, आपने, आप व्यस्त आदमी, आपने समय निकाला, सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उम्मीद करता हूँ जो आपने टिप्स दिए हैं उनसे जो है विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपने भी समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।